सजन तुम रूठ गए बोलो ना बात पर। आदाब, आज हमारे बीच उस्ताद इफ्तिखार हुसैन खान साहब हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि खान साहब का इंटरव्यू लेने का मुझे मौका मिला है। खान साहब उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के बेटे हैं। खान साहब, मैं जानना चाहूंगा सेसवान घराने की शुरुआत कब और कैसे हुई? इस घराने की शुरुआत सबसे पहले महबूब खान साहब से शुरू हुई इस घराने की जी, और उसके बाद मियां अल्लाह हसन खान साहब ने अपने बेटे को बहादुर शाह खिताब में शामिल करवा दिया। तो उनसे तालीम कई साल तक ली, जिससे उनका नाम पूरी दुनिया में हुआ। तो मेन उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब इस घराने में जी हाँ पिलर माने गए हैं जी हाँ। अच्छा, इस घराने में एक से बढ़कर एक कलाकार पैदा हुए, कुछ उनके बारे में बताइए। उनके बारे में यह है कि सबसे पहले उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब पद्म भूषण और पद्मश्री उस्ताद हफीज अहमद खान, फिर सरफराज हुसैन खान, उसके बाद पद्म विभूषण गुलाम मुस्तफा खान साहब और गुलाम सादिक खान साहब पद्मश्री, उसके बाद राशिद जी हाँ जो आजकल का मानव कलाकार है जी। तो ये सिलसिला जारी रहा बराबर। अच्छा, आपके वालिद साहब के टाइम में, निसार हुसैन खान साहब के टाइम में गुरु शिष्य परंपरा से किन किन लोगों ने तालीम ली खान साहब से? उस्ताद हफीज अहमद खान साहब ने, अच्छा, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद सरफराज हुसैन खान और राशिद खान ने जी, इन लोगों ने तालीम जारी रखी, लगातार तालीम ली। किस तरह और से सीना बसीना बैठ के सामने हमने बहुत खान साहब बहुत। तो किस तरह से, क्या खान साहब का, निसार हुसैन खान साहब का तरीका था तालीम देने का शास्त्रीय संगीत की? पहले पलटी वगैरह उत्साह मेन था जी, कि सब कुछ हमारी बिल्कुल अगर साह सही हो गया तो सब सही जी। तो पलटे कहलवाए, फिर उन्हीं पलटों की ताने, सपार तान, गमक की तान, कूट तान, ये ताने वगैरह जो है ये सब खान साहब करवाते थे। अच्छा, क्या खासियत रही है रामपुर सेसवान घराने की गायकी की? इसमें आकार को बहुत तरजीह दी गई, बहुत आकार के आ करके जाए जो तान मिल जाए जी। और इसमें मेरे परदादा हैदर खान साहब और फिदा हुसैन खान साहब, उनका भी बहुत योगदान रहा जी। और बाद में मेरे पिता ने इन सब चीजों को अपनाया और उस पर रियाज किया घंटों हाँ। तो तराना भी खान साहब का बहुत फेमस रहा है। खान साहब का तराने का तो ये था कि जैसे इन्हें बोल दांतों की और जुबान की लड़त लगातार जी, ऐसी मैं उनका बेटा हूँ लेकिन मैंने ऐसा तराना किसी से सुना नहीं आज तक। ये हाल था जैसे जड़ जा रहा जहाज मतलब बहुत, और दो दो तीन दिन तबले वाले बदल गए जब दर दर सुनो फेंकी खान साहब ने जी। वैसे और लोगों ने गाया तराना
लेकिन खान साहब जैसे तराना शायद मेरे ख्याल से किसी ने नहीं गाया। सैसवन घराने के कौन कौन से खास राग रहे हैं? सबसे पहले इनासन खान मियां छाया नट और गौर सारंग जी, और जितने सारंग हैं और टोड़ियों वगैरह जी और कानड़े, ये सब बहुत ही यानी फेमस है, बहुत ही मेहनत सिखाते थे खान साहब इन चीजों को। बहुत अच्छा लगा आपसे घराने के बारे में हमने मालूमात करी, बहुत बहुत शुक्रिया। ताज वो लिखा लो। नमस्कार, मैं राशिद खान, आज सबका स्वागत है बातों बातों में। आज हम अपने रामपुर सैसवान घराने के जो बुजुर्ग मेरे उस्ताद भी थे निसार हुसैन खान साहब, जिनकी याद में आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है हमारी एकेडमी की तरफ से, डिफ्नोट की तरफ से, मैं आज स्वागत करता हूँ। मेरे मामू हैं इफ्तिखार हुसैन खान साहब, वो भी मेरे मामू हैं, स्वागत करता हूँ। और आज हम पहली बार 12 प्लेटफॉर्म पे लाइव जा रहे हैं, तो ये आज आप लोग के सबके साथ मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपके सामने रूबरू हो पाया। और मैं इसी के साथ मैं इफ्तिखार हुसैन खान साहब को इनवाइट करना चाहूँगा, जिनको हम भैया मामू बोलते हैं। इफ्तिखार मामू, सलाम अलैकुम, आदाब। आदाब, सलाम अलैकुम। मैं राशिद बोल रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है बातों बातों में। इस बहाने आज काफी सालों के बाद आपसे रूबरू हुए, आपसे आपको सामने सामने देख पा रहा हूं मैं डिजिटल के माध्यम से। हाँ। तो आज बाबू अब्बा के बारे में, घराने के बारे में आपसे पूछना है। हाँ। कि कैसे जो पुराने जमाने में जब आप लोगों ने तालीम ली थी, अब आप सबके बाद फिर मैं भी तालीम के लिए घर में हमेशा हम लोग रहते थे, बाबू अब्बा से तालीम लेते थे। उस दौर में कैसे तालीम आपने ली, इसके बारे में आप जरूर आप मुझे बताइए जरूर। जी हाँ, सबसे पहले हम सबको बाबू अब्बा ने सा भरवाया, सब सा पे बहुत ही ध्यान देते थे जी, और कहा करते थे कि जिस जिसका सा सही अगर है तो वो सब सही सुर है, और अगर सा गलत है, सा अगर सही नहीं लग रहा है तो अगले सुर समझ में नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो सा पे बहुत दिन तक रियाज कराते थे। ये आगे की जनरेशन के लिए, आप आगे की जनरेशन के लिए आप और भी अच्छी तरह से विस्तार में अगर समझाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ, तो आगे के मतलब से ना जनरेशन के यही है कि जो पुराना हमने सीखा हम वही सिखाएंगे उसको, वैसी तालीम देंगे कि ऐसे हमें हमारे बुजुर्गों ने ऐसे हमें खान साहब ने, सारसान खान साहब ने ऐसे कहलवाया तो वो हमें याद है, तो वैसे हम अपने अगले जो है जनरेशन उसको वैसे कराएंगे। फिर कुछ सालों बाद, कुछ दिनों महीनों बाद पलटे वगैरह कहलवाते, दो दो तीन तीन सुरों पढ़ते हुए जी, तो
करते करते फिर उसकी उन्हीं पलटों का आकार, उन्हीं पलटों की आकार, और जी हाँ सुबह के वक्त सवेरे में मॉर्निंग में भैरव, और दोपहर में टोड़ी वगैरह, और शाम को यमन है। जी तो ये सिलसिला जारी रहा बरसों बरस तक, ये थोड़ी कोई 7-6 महीने में आ जाएगा। जैसे बिल्कुल सर, निरे गा म प म ग रे म रे गे निरे सा, फिर इसी आकार क्या बात। एक टाइम था कि आप हम मैं भी आपके साथ बैठता था, रियाज जब बाबू अब्बा करवाते थे, हाँ आप मैं सब लोग, हम लोग बैठते थे इकट्ठे होके, तो हाँ बहुत, वो अरे टाइम सुबह बड़ा सुबह के टाइम क्या दौर था। हाँ वो टाइम भी जब देखा। नहीं बाबू अब्बा तो का यहाँ पर बाबू अब्बा के शागिर्दों में जैसे सरफराज मामू, मामू साहब, हाँ और मामू साहब के शागिर्दों में जैसे आपका मामू, इन लोग भी ऐसे इस तरह से रियाज करते थे। तो हाँ मैं यही आपको पूछना चाहूंगा कि जिस टाइम पे आप, तो मेरे पहले बाबू अब्बा से सीखे, तो उस हाँ वक्त तो वो भी जवान थे, तो अच्छा, बाबू अब्बा जब आते थे फजर की नमाज पढ़ जी के, उसके बाद हाँ अपने वही कलाम बात पाक पे मैं आ कलाम रहा शरीफ, हाँ कलाम शरीफ पढ़ते थे बैठ के। हूँ। हाँ जी, कलाम तो पाक पढ़ने के बाद फिर वही टाइम की मैं हम बात कर रहा बैठ हूँ कि वही टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जो सुबह सुबह वो नमाज पढ़ के, वो कलाम पाक पढ़ के, फिर रियाज फिर करवाने के लिए हम लोग बैठते थे। को बिठाते थे, फिर बैठते थे, हाँ फिर बैठते थे और बाद मैं में। तानपुरा लेके बैठता था, तो आप लोग तो उठ जाते थे रियाज करके, फिर मैं रिगड़ता था हाँ हाँ उस टाइम बैठते थे। पे, और मेरे हाँ हाथ में तो दर्द हो हम जाता, मैं बाद में चुप जब हो जाता, फिर डांट पड़ती थी उस वक्त, ये हाँ अरे है, क्या दौर था, क्या क्या वक्त था, क्या बिल्कुल जमाना था। अब तो बच्चों से अगर कहो कि बैठो रियाज के लिए, हाँ अब्बा अभी आ रहे हैं जरा सा हम खेल ले लो, और हाँ, उस खेल में जमाने में ज्यादा एक ध्यान एक रहता है आजकल की। हाँ एक डांट में बाबू अब्बा की हवा खराब की हमारे सबकी। यह बात सही है, एकदम सही बात, हाँ बुढ़ापे तक में। हाँ अरे भाई कुछ ऐसा तो मेरे मेरे ख्याल से मैंने इतना नमाजी परहेजगार गवैया देखा नहीं हिंदुस्तान में अभी तक, अपनी अपनी इतनी उम्र में। बस हर वक्त अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने साथ दिया उनका इसमें कोई शक नहीं। जी। इसमें कोई शक नहीं है, बाबू अब्बा का जिस तरह का गाना था, जिस तरह की एक तालीम थी, और उनका जैसा रियाज था, शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो, उनकी तान भी ऐसी थी जिसका कोई जवाब नहीं। तराना तो खैर उन्होंने गाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ख्याल भी उन्होंने इस तरह से गाया। ऐसा गया ख्याल जैसे समंदर बह रहा है मालूम हो रहा है, तानों का सरगम का बहुतात बहुत थी। माफी चाहता हूं कि ये सिग्नल की काफी प्रॉब्लम हो रही है, जी और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा भैया मामू, कि
कि हमारे घराने के तो बहुत बहुत लोग शागिर्द, जैसे ये भिंडी बाजार वाले छज्जू खान साहब, नजीर खान साहब, उनके वालिद शामिर खान साहब, अमीर खान साहब बोला जाता तो उनके ही शागिर्द माने जाते थे। सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है। जी जी सुनाई दे रहा है भैया? जी हाँ आवाज आ रही है आपकी। आ रही आवाज? शायद आवाज नहीं आ रही है मुझे। अभी अभी आ रही है आवाज आपको? आ रही है? आवाज वो उधर से नेट पर प्रॉब्लम। अरमान वाले के लिए सुनाई दिया आपको? सुनाई दे रहा है भैया? जी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं। जी अभी आई आवाज? सुनाई नहीं दे रहा शायद। आपको आ रही है आवाज? यहाँ प्रॉपर आवाज आ रही है। इधर भी सुनाई नहीं दे रहा बेटा। हाँ सुनाई दिया जी हमें आवाज। सिग्नल की वजह से काफी परेशानी आ रही है। जी वहां नहीं पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है, अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। आप प्रशांत भाई के बचपन के बारे में बताइए। जब कुछ सुनाई दे रहा है? जी हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना? नहीं आवाज आ रही है प्रॉपर। आपको नहीं आ रही आवाज? जी जी आवाज आ रही है आपको?
हेलो, माफी चाहता हूँ मैं, सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ, सिग्नल की वजह से परेशानी हो रही। तो मैं ये पूछ रहा था भैया मामू आपसे कि छज्जू खान साहब, नजीर खान साहब जैसे हमारे घराने के शागिर्द थे, तो और भी बहुत से लोग शागिर्द थे, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कौन कौन लोग शागिर्द रहे बाहर से बताइए। ग्वालियर के जी, और रामपुर के जी साहसबान भी तो थे, भैया गणपतराव ने सीखा था, बहुत अच्छा हारमोनियम वादक थे ग्वालियर के भैया गणपतराव जी। जी हाँ जी। तो और बाबा अलाउद्दीन खान साहब, अलाउद्दीन खान साहब वो भी शागिर्द हाँ। थे। अलाउद्दीन खान साहब किनके शागिर्द थे? मोहम्मद हसन खान साहब के। अच्छा, मोहम्मद हसन खान साहब से भी उन्होंने सीखा था। हाँ हमारे दूसरे परनाना इनायत हुसैन खान साहब के जो भाई जो थे, भाई थे हाँ, अली हुसैन खान जी। और अच्छा, ये मुश्ताक हुसैन खान साहब ने भी हैदर खान साहब के पास पहले तालीम ली थी, 3 साल की 4 साल की उम्र से। बाबू अब्बा ने हमें बताया हाँ। कि हम बैठ गए और दादा बहुत प्यार करते थे, तो बहुत तेज थे बाबू। मुश्ताक हुसैन खान साहब ने, मुश्ताक हुसैन खान साहब ने हैदर हुसैन हाँ, तो उन्होंने हैदर खान साहब से सीखा, फिर एना हुसैन खान साहब से डंडा बनवाया हाँ। पहले जी। दोनों सीखा एना हुसैन खान साहब हाँ, एना हुसैन खान साहब और हैदर खान साहब से काफी टाइम ली तालीम बहुत दिन तक। काफी साल सिखाया उन्होंने हाँ, काफी साल तक। और मोहम्मद हसन खान साहब के विष्णु नारायण भातखंडे भी रहे हैं शायद हाँ। फिर उसके बाद हैदर खान साहब के भातखंडे जी शागिर्द हुए, विष्णु नारायण जी जी जी, विष्णु नारायण भातखंडे जी, विष्णु जी हाँ जी जी जी, वो भी शागिर्द हुए थे जी। क्योंकि सहसवान आए और रागों की मालूमात करी, सब इन्होंने लिखा बैठ के, थ्योरी वगैरह भी उसकी लिखते गए जी, कि कौन सा इसमें वादी कौन सा संवादी है, इसका टाइम क्या है, ये सब चीजें। तो इन्होंने भी तालीम ली जी हाँ। और कौन कौन, जैसे हमारे घराने से ये गुड़ियाने वाले हफीज खान साहब हाँ, उन्होंने भी नाना मियां से तालीम ली थी हाँ, नाना मियां से एना हुसैन खान साहब से तालीम। और एक चीज मैं बोल रहा था, ये बिस्मिल्ला खान साहब के भी, बिस्मिल्ला खान साहब के मामू जो थे हाँ, उन्होंने तालीम ली थी हमारे घराने से, किस नाना मियां से ली थी उनके, बिस्मिल्ला खान साहब सेनाई हाँ, अच्छा हाँ सेनाई वाले हाँ। तो उनके मामू ने तालीम ली थी जी जी, ये मालूम, मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ, तालीम ली थी उनके मामू ने और काफी दिन तक सीखा जी, काफी दिन तक सीखते रहे। तो ये सब बातें ये है कि तो हाँ, वो भी हमारे घराने के हुए शागिर्द हैं जी। और सहसवान जो शुरू हुआ वो तो नी हमारे
नाना मियां ने, पर नाना ने उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब नहीं रखी थी। कहाँ का सैसवान की नींव जो है? सैसवान की नींव, हाँ सैसवान की बुनियाद जो है नींव है बुनियाद, हाँ वो नाना मियां ने, पर नाना मियां ने रखी थी इनायत हुसैन खान साहब। हाँ उन्होंने रखी थी भाई, सब कुछ उनका ही था बिल्कुल। तब वो जब ग्वालियर नरेश गए, राजा के गए नाना मियां, तो हदूसफ हसाब सुनकर हर गवैये को हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया गवैये सुन के कहते थे इसे टापे बंद कर दो, क्या मुर्गी की आवाज निकाल लिया है। जब नाना मियां गए, हाँ किस किस को बोला मुर्गी की आवाज निकाल जी, हाँ हदूसफ दोनों भाई कहते थे, हाँ हदूसफ हसाब दोनों भाई कहते थे क्या ये दरासी आवाज निकाल लिया, किसी को भी सुन के। जब इनासन खान मियां पहुंचे वहां पर ग्वालियर, और जब इनका गाना सुना बोले हाँ वाकई में गाना आज सुनने को मिला है, ये मुझे बाबू गब्बर ने बताया था। हाँ तो इसके माने ये, फिर उन्होंने गाना सुन के जाने अपनी बहन या की शादी कर दी नाना मियां के साथ में जी। तो ये था बड़े ये ग्वालियर का सिलसिला हम लोग के घराने में इस तरह से आया, इस तरह से आया कि नाना मियां यहाँ तक पहुंचे, बुलाया था तो कहा कि बुलाया गया था कि खुद अपने आप पहुंचे कि वहां के राजा जो हैं उनको बहुत शौक है गाने का, तो कई दिन तक बाहर पड़ रहे। तो जब उनका वजीर आया तो नाना मियां से बातचीत हुई, बोले मैं सहसान से आया हूँ, इनासन खान साहब मेरा नाम है जी। तो कहा वजीर ने कि इनासन खान साहब हैं सहसवान घराने सहसवान के, वो आए जी। तो राजा बोले 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए यहाँ इनको पड़े हुए, तो तुमने मुझसे कहा भी नहीं किसी ने है? अब भाई मुझसे कहते आके, मैंने स्वागत करता उनका, इस्तेमाल करता, बुलाता घर पे। फिर गाना सुना नाना मियां का, तो हद्दू हसाब हसू खां बोले महाराज आज गवैया सुना गया है, ये गवैया इसे कहते हैं गायकी जी, नहीं तो हर को कहते थे अरे कुछ नहीं क्या गा रहा है, इसकी आवाज तो नहीं निकल रही संभल के। ये हाल था। अभी अभी पीछे तोते की आवाज आ रही है जी। अच्छा अच्छा तो उसके बाद, उसके बाद इनायत हुसैन खान साहब के बाद हैदर हुसैन खान साहब का दौर आया, फिर हैदर खान साहब का दौर आया। तो हैदर खान साहब भी ऐसे बड़े, एक जगह महफिल हो रही थी तो तान कप्तान थे गवैया अलिया फत्तू, समझे अलिया फत्तू थे गवैये जी जी। नेपाल का किस्सा है ये, तो अलिया फत्तू ऊपर तक गए थे सब तक, और गवैये गए, फिर उसके बाद अलिया फत्तू बोले कि अब तानपुरे लौट दो, तो हिनासन खान साहब ने आवाज दी हैदर बेटा, और कोई और साथ में था दूसरा, बोले उठाओ तानपुरे, जाना कैसे, बोले खत्म हुआ अभी। और एक चीज बताइए, हैदर खान साहब और इनायत हुसैन खान साहब का क्या रिश्ता था? बहन फिर गाना सिखाया इनायत खान साहब ने, शागिर्द कर लिया हैदर खान साहब को। हाँ जी, ये मामू चिजला के बैठे थे। हाँ तो फिर अपनी बहन की शादी कर दी हैदर खान से, बहनों भी हुआ है, अपनी बहन की शादी कर दी, और 6 महीने में गवैये हुआ है, ऐसे तैयार गवैये। तो नाना मियां जब, तो नाना मियां जब गाए, बाबू गब्बा बताते थे, हाँ ये चीज हम बताते थे बाबू अब्बा हमेशा। फिर से मैं और एक बार जाऊंगा नेपाल में, जो गाने का
जो हैदर खान साहब को बुलाया नाना मियां ने, उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब ने, हाँ तो साहब गाना हुआ जी। और जो तान गए हैदर खान साहब तो तीसरी सबकी रेखा गंदार मध्यम तक पहुंच गए, पंचम खड़ोल जाके चौथी सब पे। वाह क्या तो बात। इनायत खान साहब बोले देखो ये है, ये लगी थी सब, इसे कहते हैं 3.5 सब तक हो गई पूरी खड़े हुए और वहां से लौट के चले आ रहे नीचे तक। तो भाई क्या बात, उन लोगों का रियाज था, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, हैं? और बड़े बड़े किस्से सुने बाबू अब्बा के मुंह से। बाबू अब्बा के बारे में जब अब मुझे, मैं तो बहुत छोटा, सबसे छोटा मैं हूँ उनके पास जो सीखने वाले मुझे। हाँ, हाँ, क्योंकि हम लोग का रियाज आपके साथ ही होता था। हाँ अरे बिल्कुल, लेके बैठते थे, मैं तुम्हें लाता था पकड़ के, सुना पछा से लाता था पकड़ के। खेल में जिंदगी गुजरती थी। वो पाखर खड़ी हुई थी, पाखर उस पे गुद्दे चढ़े हुए खेलते थे। सही में राशिद, वो भी क्या दिन थे। हाँ अरे क्या बात है, क्या दिन थे। बेटा हाँ सब कट गई पाखरे आखरे, अजीब मामला हो गया। सही बात है। सर आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज आपका गाना सुनने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये चीज है, सबसे बड़ी खुशी मुझे हो रही है, मिलेगा सुनने को। काफी साल मैंने भी काफी बंदिशें आपसे ली, बंदिशें बहुत पुरानी बंदिशें जो है वो आपसे मुझे और लेनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक। तो आज आपका कार्यक्रम सुनेंगे और अगली बार, हाँ इंशाल्लाह, मैं चाहूंगा कि आपसे फिर रूबरू हम होंगे, मैं मिलूंगा आपसे और आपसे कुछ मुझे लेना है, बहुत सी पुरानी बाबू अब्बा की जो बंदिशें हैं वो मुझे लेनी है। अच्छा, तो बस आप ही लोग से ले सकता हूँ मैं, एक ही घर के मामू भी हो मेरे, आप मेरी माँ के सगी खाला के बेटे भी हो, सब ये रिश्ते जो है जितने बहुत करीब भी हम लोग के रिश्ते हैं, एकदम खून है। मैं भी बहुत नसीब वाला हूँ इस घर में पैदा हुआ। बेशक बेशक बेशक। और एक चीज बोलूंगा कि बाबू अब्बा के बेटों में जैसे आप हैं, सरफराज मामू पहले तो सबसे बड़े, सरफराज मामू और फिर आप, फिर जुल्फकार मामू, गाना इन्हीं लोगों ने गाया, उनके बाद उनके और भी पोते मुजाहिद भाई जैसे मशाहिद हुआ, तो ये लोग गाते हैं। आपके बेटों मुस्तफा तो सितार बजाता है। और शाहजेब गाते हैं माशाल्लाह से। कौन कौन? मजले वाले शाहजेब हसन। अच्छा शाहजेब गाता है। हाँ ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्या बात है। वैसे अभी तो बहुत खानदान में इतने बच्चे और भी तैयार हो रहे हैं काफी, अच्छी खुशी की बात है। अल्लाह मियां सबको तरक्की दे, सबको कामयाब करे। आमीन। मैं यही सबके लिए, आप भी सबके लिए ये दुआ कीजिए कि हमारे यहाँ के जितने खानदान के बच्चे हैं सबको एक अच्छा कलाकार बनाए। जी रखना है इस चीज को कायम, वरना मिलेगी नहीं किसी पास मिलेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रखना है, कोई देगा भी नहीं। ये बात है, तो आप तो है नहीं देने वाले, हम लोग परेशानी है, क्या बात है। आप लोग जब तक, और आपके ऐसी उम्र भी नहीं, अभी 25 साल की उम्र है आपकी। क्या बात है, तो अभी अभी तो काफी चल रहा होगा आपके साथ। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आज जी, बहुत अच्छा लग रहा है भैया मामू के साथ। हमें
मैं भैया जी मामू बोलता है, हमारे मामू हैं, हमारे माँ के भाई हैं, तो हाँ बिल्कुल इफ्तिखार हुसैन खान बिल्कुल साहब नाम है, लेकिन हम लोग जो घर में बोला जाता है भैया मामू बोलते हैं इफ्तिखार मामू को। तो आज मुझे हाँ बड़ी खुशी है कि कम से कम अपने मामू से मिलके सब हम लोग एक साथ रूबरू हुए, और अल्लाह ने चाहे ऐसे ही मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज आपको हम सुनेंगे, बहुत खुशी हो रही है सुनने की। तो आज के लिए आप जितने मेरे भाई लोग देख रहे हैं, सब लोग जो देख रहे हैं, श्रोता जितने देख रहे हैं, आज देखिए हमारे मामू है खलीफा भी हमारे, तो आज इनको सुनिए आप लोग खुशी से, मैं भी सुनूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने मेरे प्यारे श्रोता हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के लिए बस, आज हमारे मामू उस्ताद इफ्तिखार हुसैन खान साहब को, निसार हुसैन खान साहब के जो बेटे हैं, मेरे उस्ताद के बेटे हैं, मेरे नाना भी थे निसार हुसैन खान साहब, मेरे ताया भी थे, तो काफी रिश्ते मिले जुले हुए हैं। हाँ कई रिश्ते बेशक बेशक हाँ, तो आज मेरे साथ बातों बातों में आप लोग भी शिरकत कीजिए, जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। काफी गुणी इंसान है उस्ताद इफ्तिखार हुसैन खान साहब। वहाँ आज आपसे यही मैं नमस्कार करता हूँ, आप सबको आदाब, मेरी तरफ से नमस्कार। अब इफ्तिखार हुसैन खान साहब का गाना जरूर सुनिए, आदाब।